हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माय सेल्फ अनुप राजपूत, और आज हम फिर से एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा और नए जोश के साथ आपकी क्लास में फिर से हाजिर हैं। बोलिए जी, क्या सभी लोग एनर्जेटिक में एकदम बैठे हुए हैं? एनर्जी में क्लास कीजिएगा। उससे पहले थोड़ी सी एक और शेर और शायरी हो जाती है। नहीं जी, थोड़ा सा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ें, फिर पढ़ेंगे, फिर बताऊँगा, ठीक है? देखिए जी, हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ साइंस की क्लासेस में क्या क्या पढ़ चुका है, थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए जी। साइंस क्या होती है, साइंस की कितनी ब्रांच होती है, फिर हम लोगों ने देखा एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने सीखा एटम्स क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स देखा, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चार्ज क्या होती है, उनका मास क्या होता है, उनका खोज किसने किया था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया एटम क्या होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं। क्यों न्यूट्रल्स होते हैं? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। फिर हमने जो डिस्कस किया यहां पे कि जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है सर? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन पे जी होता है क्या? प्लस चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है। और जब चार्जर नहीं है तो कैसे इस पे लगेगा? प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पूरा बन जाता है पॉजिटिव। क्या बन जाता है? पॉजिटिव। लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूर रहकर भी हमसे वास्ता रखना, दूर रहकर भी हमसे वास्ता रखना, मुलाकात न सही बातों का सिलसिला रखना, मुलाकात न सही बातों का सिलसिला रखना। छू लो आसमान को ये तमन्ना है हमारी, छू लो आसमान को ये तमन्ना है हमारी, पर हम तक आने का रास्ता याद रखना, पर हम तक आने का रास्ता याद रखना। तो चलिए इसी नई एनर्जी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा जी, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड बरीला, BOHBOHRS, बोर्ड्स बरीला। क्या पढ़ेंगे? बोर्ड्स बरीला। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने बताया था। जरा देखिएगा जी, ये एटम होता था, ये बोलिए जी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हुआ करते थे, इनके बाहर बोलिए जी सेल हुआ करता था, ये बस मैं दो तीन सेल बना दे रहा हूँ, ये सेल हुआ करते थे, और इस सेल में बोलिए जी, इस सेल में कौन भरते थे? इलेक्ट्रॉन भरते थे। सेल को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग? KLM डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, या 1, 2, 3 से रिप्रेजेंट करते थे, जिसको क्या बोलते थे? सेल बोलते थे, याद है? और इसको क्या बोलते? सेल या ऑर्बिट बोलते थे, यही ना। फिर इसको क्या बोलते थे? न्यूक्लियस। तो अब कहानी ये है सर, एक चीज पॉइंट में याद कर लीजिएगा कि जो एलिमेंट जितने नंबर पे आते हैं उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, अगर हाइड्रोजन देखिए एक नंबर पे है तो इसके पास जी एक इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर देखिए जी कार्बन 6 नंबर पे है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर देखिए 8 नंबर पे ऑक्सीजन है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 11 नंबर पे सोडियम है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आ रही है बात? अगर 12 नंबर पे क्या है, मैग्नीशियम है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 19 नंबर पे पोटेशियम है, 19 नंबर पे कौन है? पोटेशियम है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 19। अगर कोई एलिमेंट 20 जिसका एटॉमिक नंबर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, बोलिए जी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। आ रही कहानी समझ में? यानी जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपके पास टोटल एलिमेंट 118 एलिमेंट हैं, यानी आपके पास अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 118 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ उसके पास 118 इलेक्ट्रॉन होंगे? हो सकते हैं ना। यानी जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है जी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा जी, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। क्वेश्चन तो जरा सा देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सर हम लोगों के पास 118 एलिमेंट हैं, यानी 118 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमें सर हम इतना सेल क्यों बना रहे हैं? हम क्यों नहीं 118 एलिमेंट को उठा करके पहले ही सेल में भर देते हैं? आगे जरूरत क्यों पड़ रही है? दूसरे सेल, तीसरे सेल, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों नहीं हम लोग 118 एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन को भी उठा के पहले सेल में डाल दो, दूसरे को भी उठा के इसी में डाल दो, 19 नंबर का उठा लो पोटेशियम, इसको भी उठा के यहीं डाल दो,
क्यों आगे सेल की जरूरत पड़ रही है, तो मेरा एग्जाम्पल है, जरा सुनिएगा जी, जो ऐसे सोच रहे थे सुनिएगा जरा सा। अजी आपके पास अगर छोटा लड़का 2 साल का हो, नन्ना मुन्ना प्यारा सा, मेरा लाडला है, अपना बच्चा सबका प्यारा होता है कि नहीं, दूसरे का लड़का है ऐसा ना उसको बोलने का तमीज नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना अपनी दही सबको अच्छी लगती है, मीठी लगती है, दूसरे की दही खट्टी लगती है। तो वो चीज़ अपना लाडला है, प्यारा सा नन्ना मुन्ना बच्चा है 2 साल का, अगर मैं बोलूँ उसको 4 थरिया खाना खिला दो, खाएगा जी खाएगा? अरे नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या है, कम है। उसी प्रकार से ये जो आपको सेल दिख रहा है, पहला सेल, इसकी कैपेसिटी क्या है, बहुत कम है। ये अपने अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकता है जी? 2 इलेक्ट्रॉन को। इसके बाद दूसरा सेल देखिएगा, तो दूसरा सेल इससे बड़ा है। जिस प्रकार से एक सीट पे बस 3 लोग बैठ सकते हैं, अगर मैं 10 लोग को बोलूँ एक सीट पर बैठने के लिए, बैठाएंगे क्या? नहीं बैठाएंगे। बैठना मत, इसी से बोलेंगे भागो भागो दूसरी सीट पर भाग जाओ, ऐसे बोलते हैं, है ना। पहली सीट पर देखिएगा जी, बस 3 लोग बैठेंगे, 3 से 4 लोग। उसके बाद आ गया ना तो मार के भगा देंगे उसको, कहेंगे बस दूसरी सीट पर भागो। यानी उसकी क्या है, उस सीट की उतनी ही कैपेसिटी है 2, 3 या 4 लोगों की। तो उसी प्रकार से ये जो सेल की, पहले सेल की जो कैपेसिटी थी, वो 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। आप 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा उसमें नहीं भर सकते हैं। तो ये सर कैसे पता करेंगे कि किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने बोल दिया सर कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये आपने कैसे पता कर लिया? दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये कैसे पता कर लिया? अरे बाप रे। तो देखिए जी, इसी चीज को, इसी थ्योरी को क्लियरेंस करने के लिए हमारे भाई साहब आए थे, हमारे अंकल आए थे, हमारे चाचा जी आए थे, बोर बरी लॉ। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने एक फार्मूला दिया 2n2। ये फार्मूला क्या कहता है, बोर बरीला क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि किसी भी एटम के अंदर जो सेल होता है, क्या बोले थे इन्होंने कि किसी भी एटम के अंदर जो सेल होता है, उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उस चीज को जी भाई साहब ने बताया था बोर बरी लॉ ने। और किस फॉर्मूले से बताया था, 2n2 से। उन्होंने कहा था अगर आपको जिस सेल में इलेक्ट्रॉन निकालना होगा कि किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो आप क्या करो, n के जगह वो वैल्यू रख दो। फॉर्मूला क्या है, 2n2, where n is equal to number of cell। अभी ये मैं सिखा रहा हूँ, अभी पूरा डेरिवेशन सिखाऊंगा आपको कि क्या क्या कहानी है इसकी। अभी तो फिर शुरुआत है, डरने की क्या बात है जब हम, मैं आपके साथ हैं, ठीक है। नहीं जी, पुराना हो गया है, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ये भी सुन लेना। तो अब जरा से देखिएगा, देखिए जी, जैसे मुझे पता करना है कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो आप क्या करो, अगर बोर बरी ने क्या किया था, किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अगर आपको ये पता करना है, तो आप क्या करो, बोर बरी के फॉर्मूले को अप्लाई कर लो। कौन सा फॉर्मूला, 2n2। अगर सेकेंड सेल में आपको पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि जगह 2 रख देना। अगर थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो क्या करना, एन के जगह 3 रख देना। अगर फोर्थ सेल में आपको पता करना है, तो क्या करना, n के जगह 4 रख देना। आप देखो, निकाल के सिखा रहा हूँ, देखिएगा जरा सा। अगर आपको पता करना है पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बोलिए जी किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह पता करने के लिए हम लोग बोर बरी लॉ को यूज करते हैं, यानी 2n2 को यूज करते हैं। 2 इंटू, जहां कोई साइन नहीं वहां इंटू का साइन, यन के जगह कौन सा नंबर रखेंगे, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन पता करना होगा, यन के जगह वो नंबर रख देंगे। हमें पहले सेल में पता करना है, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो यन के जगह 1 रखूंगा और 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर। अरे स्क्वायर आता है कि नहीं, किए ही चले जाए क्लास में, इतना तो आता ही होगा, पढ़ लिख के आए हो तुम लोग, ठीक है। तो n के जगह क्या रख दोगे, 1, और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जी होता है 1, और 2 1 2, यानी पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2। अच्छा जी, दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन पता करना होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2n2, और 2 इंटू n के जगह आप कौन सा नंबर रखेंगे, 2, क्योंकि दूसरे सेल में पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज होता है, यू गया फुर दे गया, यहाँ से चला जाएगा, दिखेगा भी नहीं। अभी तो हम लोग 9th में पढ़ रहे हैं ना, 20 किलोमीटर की स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है, 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, वो दिख रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन 10^6 की स्पीड से आएंगे, यू आए यू गए, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है।
तो अब देखिए यार, यन की जगह दो रखेंगे और दो का स्क्वायर, तो टू इंटू टू का स्क्वायर जी फोर, और फोर टू जा जी हो गया एट, यही सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एट इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल में पता करना होगा तो फॉर्मूला टू यन स्क्वायर, और टू इंटू यन की जगह थ्री रख देंगे, थ्री का स्क्वायर, यही टू इंटू थ्री का स्क्वायर नाइन, टू जा जी एटीन। बोलिए जी आशुतोष, समझ में आ रहा है आपको, यानी तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और ये भी चीज सुन लीजिएगा, बीच में बोल दे रहा हूं, जब तक कोई सेल पूरी तरीके से भरेगा नहीं, आगे वाले सेल में जाएंगे नहीं, आगे वाले सेल में जाएंगे नहीं। जब तक ये दूसरा सेल 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर नहीं जाएंगे, तब तक आगे वाले सेल में हम लोग जा भी नहीं सकते हैं। ये भी कहानी सुन लीजिएगा। अब देखिए फोर्थ सेल में आप लोग खुद से निकालिए, फिर मैच कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैच कीजिएगा। फॉर्मूला फोर्थ सेल में निकालना होगा तो टू इंटू यन स्क्वायर, पहले कर लीजिए वेट कर ले रहा हूँ, करूँ चलो देखो, तो यन की जगह कौन सा नंबर रहेंगे, फोर्थ रख देंगे, तो टू इंटू यन की जगह जब फोर्थ रखेंगे तो फोर का स्क्वायर करेंगे, और टू इंटू फोर का स्क्वायर 16, टू जा 32। अच्छा इसी याद कर लीजिए, बस फोर्थ सेल तक ही निकालना है आपको, फाइव वाला का नहीं निकालना है, सिक्स वाले का नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि आपके पास उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपके पास उतने एलिमेंट नहीं है। आपके पास अभी फिलहाल कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट हैं। अब 118 एलिमेंट हैं तो आप ज़्यादा नहीं निकालेंगे, आप फोर्थ सेल तक ही बस निकालिए। यानी पहले सेल में बोलिए थी कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, वेयर इज माई डस्टर, यस हियर इट इज, फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 32 इलेक्ट्रॉन। अच्छा पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दो, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अपोजिट चलते हैं, यानी एक बार फिर लिखेंगे 32, फिर एक बार लिखेंगे 18, फिर एक बार लिखेंगे 8, हो गए जी 118 एलिमेंट, काउंट कर लो। ये देखो यहाँ पे 32 और 8 हो गए 40, और 40 और ये 20 हो गए 60, और 60 और ये 40 हो गए 100, और 100 ये 18 हो गए 118 एलिमेंट। तो क्या करना है आपको, बस फोर्थ सेल तक ही निकालना है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर अपोजिट चल लेते हैं। यहाँ तक देख लो, 2, 8, 18, 32, फिर मैंने क्या किया, एक बार 32 फिर लिखा, फिर 18, फिर 8, बस हो गए 118 एलिमेंट, काउंट कर लीजिएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब आइए एग्जांपल इसका करते हैं, फिर कहानी को समझ में आती है। अब देखिएगा एग्जांपल समझिएगा, जैसे देखिएगा आप छोटे छोटे नंबर कर लीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ, कार्बन से समझाना शुरू करता हूँ, उसके बाद फिर आप उससे पहले कर लीजिएगा। चलिए लिथियम से शुरू कर देता हूँ, आपकी मन सर, आपका बोर्ड, आपका मार्कर, दो मंत्र है। देखिए जी, अगर कोई, अगर लिथियम देखिए तीन नंबर पे है, यानी इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन है, आ रही है समझ में। अब देखिए जी, आप बनाएंगे यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए जी, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अच्छा जी ये लिथियम तीन नंबर पे है तो इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन। अच्छा पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो दो पूरा भर जाएंगे जी। क्यों दो पूरा भर जाएंगे, क्योंकि मेरे पास तीन इलेक्ट्रॉन है। अच्छा जी इसके पास अभी और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन तो मैंने भर दिया इसका पहले सेल में, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भरूंगा, इस वाले सेल में तो भर नहीं सकता हूँ, तो एक आगे डाल दूंगा आगे वाले सेल में। यानी लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, Li का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। अच्छा जी जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो ऐसे चार चीज लिखिएगा, पहली चीज लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा चीज लिखिएगा आप साथ में चार्ज, तीसरी चीज लिखिएगा वैलेंसी, और चौथी चीज लिखिएगा जी पीरियड और ग्रुप, पीरियड और ग्रुप। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप निकाल लिए, 2,1 है कि नहीं यहाँ पे। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर आपको चीज समझाता हूँ, ये चारों चीज, चार्ज, वैलेंसी, पीरियड, ग्रुप। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे देखिए जी कार्बन जो है 6 नंबर पे कार्बन है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं तो पहले ही कहता हूँ, अगर समझ गए तो पैसे पैसे, और नहीं समझे तो पहले जैसे। तो अब देखिए कार्बन 6 नंबर पे, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा जी बनाएंगे ये चीज़ पहले, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दो इलेक्ट्रॉन भर दो, एक मीनान से एकदम भर दो, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा जी दूसरे सेल में, अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन जब भर दिए, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो अब कितने बचे, 4 बचे, और दूसरे सेल में हम लोग कम से कम कितना भर सकते हैं जी, 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम भर सकते हैं, तो 4 तो आराम से भर ही देंगे। यानी 1, 2, 3,
चार, यानी पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, बचा चार, तो दूसरे वाले में चार डाल देंगे। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन क्या हो गया, 2.4, 2.4। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन किसे कहते हैं? तो जब आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट करते हैं, देखिए जी, एटम के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन का मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ किसके अंदर, एटम के अंदर, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखिए जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा समझ में यहाँ पे। अब देखिए मैं एक और करके आपको दिखाता हूँ, इसको मिटाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ये फिगर नहीं बनाऊंगा, आप ये फिगर साथ में बना के चलिएगा। अगर मान लीजिए जी 8 नंबर पे अगर ऑक्सीजन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा जी, पहले सेल में कितने भरेंगे, 2 भर देंगे। अब दूसरा कितना बचा, 8 में से 2 ने भर दिया पहले सेल में, तो दूसरे सेल में कितना भरेंगे, 6 भर देंगे, तो 2.6 हो जाएगा। अच्छा जी, अगर मान लीजिए आपके पास 11 नंबर पे सोडियम है, यानी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं इलेक्ट्रॉन है, अच्छा जी 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले सेल में कितने भरते हैं, 2 पूरा भर जाएंगे 2, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे में कितने भरते हैं, दूसरे में 8 भरते हैं सर, 8 भी पूरा भर जाएंगे, क्योंकि दोनों मिला के अभी कितने हुए, 10 हुए, अभी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, ना तो आप इस सेल में इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, ना तो इसमें भर सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, आगे वाले में डाल देंगे, यानी पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। अच्छा जी, मान लीजिए अगर 12 नंबर पे मैग्नीशियम आ गया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, पहले सेल में कितने भरेंगे, 2, दूसरे में कितने भरेंगे, 8, क्योंकि दोनों मिला के अभी कितने हुए, 10, अभी 2 इलेक्ट्रॉन मेरा बच रहा है, तो तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। अगर मान लीजिए जी, मान लीजिए आपके पास 15 नंबर पे अगर फास्फोरस है, 15 नंबर पे कौन है, फास्फोरस, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, आ ये कहानी समझ में, पहले में कितने भरेंगे, 2, दूसरे में कितने भरेंगे, 8, और दोनों मिला के अभी कितने हुए, 10, वही 5 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ में आया होगा। तो बस आप 1 से लेकर के 18 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आप खुद फंस जाएंगे। और बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा है कि वो लोग कहते हैं कि 19 और 20 का याद कर लो, 19 और 20 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन याद कर लो। सर ऐसा क्यों सर, आप उनको सिखाइए वो चीज, आप बाहु प्रिंसिपल उनको सिखाइए ना सर, कि वो पूरा 118 तक एलिमेंट निकालें। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप वो गलत हैं, ऐसा नहीं, मेरा कोई ऐसा नहीं मकसद है, मैं कहता हूँ सर कि आप पूरा उनको लॉजिकली पूरा बता दीजिए सर, डीपली में, क्योंकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम से होगी सर। क्योंकि जब हम लोग 11th 12th में जब जाते हैं, कोई भी, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, जब लोग 11th 12th में जब लोग जाते हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने क्रिएट होना शुरू कर दी है, सर मुझको ये नहीं समझ में आ रहा, मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो सर प्रॉब्लम्स तो हम ही लोग को होगी ना, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा 118 तक मुझे हम लोगों को करवा देना चाहिए, सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, खास तौर फाउंडेशन क्लासेस में ज़्यादा, बाकी का मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। फाउंडेशन क्लासेस में अगर कोई कर रहा है, तो उसको 118 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, चाहे वो 5 में पढ़ रहा हो, चाहे 6 में पढ़ रहा हो, चाहे किसी भी क्लास में हो, ठीक है। तो अब देखिएगा 19-20 तक मैं अभी कहानी क्या, उसी कहानी है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा अभी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा उसको। अभी आपको मैं कह रहा हूँ सिर्फ 18 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप निकालिएगा। अगर मान लीजिए 17 नंबर पे अगर क्लोरीन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, पहले सेल में कितने भरेंगे, 2, दूसरे में कितने भरेंगे, 8, दोनों मिला कितने हुए, अभी दोनों मिला के कितने हुए, पहले में 2, दूसरे में 8, दोनों में 10 हुए, अभी 7 इलेक्ट्रॉन बचा है, तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, क्योंकि तीसरे सेल में कम से कम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम लोग। क्लियर है क्या कहानी समझ में आ रही है? अब देखिए ये पीरियड ग्रुप कैसे निकालते हैं, तो बोलिए जी पहली कहानी आपको समझ में आ गई, यानी चार्ज वैलेंसी कैसे निकालें, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालेंगे, ये आपको आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक, मान लीजिए मैंने लिथियम लिया था ना, 3 नंबर पे लिथियम आया था, इसका पहले सेल में कितने भरेंगे, 2, दूसरे में कितने भर देंगे, 1, क्योंकि पहला सेल भर चुका। अगर लिथियम 3 नंबर पे है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 3 इलेक्ट्रॉन में से पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, 1 बच रहा है, तो 1 कहाँ चल जाएगा, 1 कहाँ चल जाएगा, दूसरे वाले में चल जाएगा, यानी 2.1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको क्लियर हो गया, यानी 2.1 आप निकाल लेंगे। अब देखिएगा चार्ज वैलेंसी निकालना सिखाता हूँ, तो सुनिएगा जी, जिसके आउटर मोस्ट सेल में, नोट कर लीजिएगा, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उन सब पे लगता है जी प्लस चार्ज, क्या लगता है,
प्लस चार्ज लगता है। क्या लगता है? जिनके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल का मतलब ये देखिए लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एकदम, ठीक है। अगर मान लीजिए 12 नंबर पे मैग्नीशियम है, 12 नंबर पे क्या है, मैग्नीशियम है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2, ठीक है। यही ना होगा, देखिए पहले से 12 मैग्नीशियम अगर 12 नंबर पे है तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले में 2 भर देंगे, दूसरे में 8, दोनों मिला के अभी 10 हुए, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तीसरे में 2 डाल देंगे। तो अब ये देखिए लास्ट में ये टूट गया, यानी लास्ट वाला सेल को आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट मैंने क्या बोला, जिसके आउटर मोस्ट सेल में जी 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, उन सब पे क्या लगेगा, प्लस चार्ज, क्या लगेगा, प्लस चार्ज लगेगा। यानी आप क्लियर होंगे, बोलिए जी यहाँ पे अब बताइए, लिथियम की आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 आ गया तो बोलिए जी लिथियम पे प्लस चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए। इतनी समझ में आ रही है कहानी, लिथियम पे प्लस चार्ज लगेगा, आ रही है कहानी समझ में। यानी जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई नंबर आएगा तो उन सब पे लगेगा प्लस चार्ज लगेगा। अच्छा जी, कितना प्लस चार्ज लगेगा, तो जो आउटर मोस्ट में सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उतने ही, यानी प्लस 1 चार्ज लगेगा। अब सुन लीजिएगा, जो चार्ज होती है वही वैलेंसी होती है, जो चार्ज होती है वही वैलेंसी होती है, और वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, प्लस 1 हो जाएगी। एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा, वैलेंसी कभी भी निगेटिव में नहीं होती है, वैलेंसी कभी भी निगेटिव में नहीं होती है। अच्छा जी, ये बात तो कहानी समझ जाएगी, जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सब पे लगेगा प्लस चार्ज। अच्छा, इससे पहले कहानी सुन लीजिए, केमिस्ट्री की दुनिया में 8 इलेक्ट्रॉन तक की कहानी होती है। कितनी तक की? 8 इलेक्ट्रॉन तक की कहानी होती है। यानी जिनके आउटर मोस्ट सेल में, ये वाले सेल में, लास्ट वाले सेल में, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जी, 8 इलेक्ट्रॉन। तो जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं वो, उसे जी हम लोग कहते हैं नोबल गैस। क्या कहते हैं? नोबल गैस या इनहर्ट गैस कहते हैं। क्या बोला मैंने? जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं उन्हें नोबल गैस या इनहर्ट गैस कहते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं वो कभी किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? रिएक्शन नहीं करते हैं। और जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होगा, नोट करके सुनिएगा ध्यान से, जिनके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल का मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन भरेगा उसे आउटर मोस्ट सेल कहेंगे। तो जिनके आउटर मोस्ट सेल में क्या होंगे जी, 8 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट हो गए तो क्या बोलेंगे वो, उसे नोबल गैस या इनहर्ट गैस बोलेंगे। और जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं वो कभी किसी रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर जी मान लीजिए, मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास, आपको मैं लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज दे दूं, क्या कर दूं, लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज दे दूं, और फिर मैं आपसे कहूंगा कि अजी जरा ये थोड़ा सा आप कटोरा ले लीजिए, ऐसे कटोरा एक ले लीजिए, बढ़िया सा कटोरा, और ऐसे भीख मांगिए, मांगेंगे जी भीख? नहीं मांगेंगे सर। क्यों नहीं मांगेंगे? मेरे पास पैसे है। उसी प्रकार केमिस्ट्री की दुनिया में 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास कंप्लीट हो जाते हैं वो कभी किसी रिएक्शन नहीं करते हैं, और जिनके पास नहीं होते हैं वही क्या करते हैं, हे मुझे दे दो 1 रुपये, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसे मांगते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए 10 नंबर पे देखिए जी नियॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसके पास, यानी कि 10 नंबर पे नियॉन है, यानी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। पहले सेल में कितने भर जाएंगे? 2। दूसरे में कितने भर जाएंगे जी, बोलिएगा? 8 बचा तो दूसरे में 8 भर जाएंगे। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है? यस, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो मैंने क्या बोला, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं वो कभी किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, और उसे फिर किस नाम से जानने लगते हैं हम लोग, नोबल गैस के नाम से जानने लगते हैं। तो आ ये कहानी समझ में? यानी देखिए जी, आप कभी भी किसी रिएक्शन में आप लोग नियॉन को नहीं देखेंगे। तो बात ये आती है, कौन कौन से, ये चार्ज वैलेंसी भी दिखा रहा हूं। अभी आप देखिए जी, क्या बोला मैंने, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं या फिर इनर्ट गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं। अच्छा जी, कौन कौन से नोबल गैस और इनर्ट गैस हैं? तो देखिए जी, सबसे पहले है हीलियम, फिर है जी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेंडॉन।
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेंडॉन। और ये चीज़ याद कर लीजिएगा, जितनी भी नोबल गैस होती है उन सब के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। फिर क्वेश्चन यहाँ से बना करके पूछेगा, कौन सा ऐसा नोबल गैस है, विच ऑफ द नोबल गैस, क्वेश्चन है, विच ऑफ द नोबल गैस हैव नॉट कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब 8, यानी जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, यानी विच नोबल गैस हैव नॉट कंप्लीट ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट सेल, यानी आपको पता हो गया। अच्छा क्वेश्चन फिर पूछेगा, हाउ मेनी नोबल गैस इन आवर पीरियोडिक टेबल, क्वेश्चन यहां लिखता हूं, हाउ मेनी नोबल गैस इन आवर, दूसरा क्वेश्चन यहां पे हाजिर है, हाउ मेनी नोबल गैस या इनहर्ट गैस इन आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितनी नोबल गैस होती हैं। ऑप्शन है जी, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है जी 5, चौथा ऑप्शन है जी नन ऑफ दिस। कितनी नोबल गैस होती है हमारे पीरियोडिक टेबल में, तो याद कर लीजिएगा, हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल 6 नोबल गैस होती हैं। कितनी नोबल गैस होती हैं? 6 नोबल गैस होती हैं, और जितनी भी नोबल गैस होती हैं उन सब के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है। लेकिन फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, सर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द नोबल गैस हैव नॉट कंप्लीट ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट सेल, यानी कौन सा ऐसा नोबल गैस है जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, तो वो है जी हीलियम। कौन है? हीलियम, याद कर लीजिएगा, कौन सा ऐसा नोबल गैस है जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, तो कौन है बोलिए जी, हीलियम है। कौन है? हीलियम। और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। मैं करके दिखा दे रहा हूं, नियॉन 10 नंबर पे, आर्गन 18 नंबर पे, बस इन दोनों का कर दे रहा हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। नियॉन 10 नंबर पे 10 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट 2.8। 18 नंबर पे है तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 2, 8, 10 हो गए, बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 डाल देंगे। देखिए जी, सब इन सब के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है कि नहीं, तो जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नोबल गैस कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं बोलिए जी, जरा सा बोलिए बोलिए, क्या कहते हैं? इनर्ट गैस कहते हैं। और फिर दूसरी बात मैंने क्या बोला कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं वो कभी किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, और जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते हैं वही क्या करते हैं? एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। आ रही बात कहानी समझ में? तो अब देखिए जी, अब इसको याद कैसे करें सर, तो लिख लीजिए जी, हे निधि आ करें एक्स रे, ठीक है, हे निधि आ करें एक्स रे, हे से हीलियम, निधि से नियॉन, आ से आर्गन, करें से क्रिप्टॉन, एक्स से रेनॉन, रे से रेंडॉन। आज ही देखिएगा, अगर कोई निधि नाम की लड़की वीडियो देख रही है तो निधि को जबरदस्ती पकड़ के एक टांग आप पकड़ लीजिएगा और जबरदस्ती पकड़ करके उसका एक्सरे करवा दीजिएगा। हे निधि आ करें एक्सरे, पहले प्यार से ले आ निधि, लॉलीपॉप ले लो, ठीक है, और लॉलीपॉप के बहाने क्या कीजिए, उसका टंगरी पकड़ करके एक्सरे करवा दीजिएगा, ठीक है। हे निधि आ करें एक्सरे, ठीक है, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेंडॉन। तो बोलिए जी, हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में कितनी नोबल गैस होती हैं? 6 नोबल गैस होती हैं। कौन कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेंडॉन। कैसे याद करेंगे? हे निधि आ करें एक्सरे। अच्छा जी, कौन सी ऐसी नोबल गैस है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है? कौन सी है? हीलियम, ठीक है, क्योंकि हीलियम देखिए जी 2 नंबर पे है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से कंप्लीट होंगे, लेकिन फिर भी ये आउटर कभी किस में चला जा रहा है? नोबल गैस में चला जा रहा है। आ रही है कहानी समझ में? तो अब देखिए जी, अब देखिएगा, यानी केमिस्ट्री की दुनिया में कितने इलेक्ट्रॉन की कहानी होती है? 8 इलेक्ट्रॉन की कहानी होती है, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, तो फिर उसे क्या कहेंगे? नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस कहेंगे। आई बात समझ में? तो अब देखिए जी, मैंने क्या बोला कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में
क्या होंगे, एक दो और तीन और चार इलेक्ट्रॉन होंगे, उनपे कौन सा चार्ज लगेगा, प्लस चार्ज, प्लस प्लस चार्ज लगेगा, प्लस कितना चार्ज लगेगा, तो जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन होगा वही प्लस चार्ज लग जाएगा। जैसे मैं अभी एग्जांपल की बात कर दूं यहाँ पे, अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, जैसे देखिए जी, अगर मैग्नीशियम 12 नंबर पे है तो इसका, अगर मैग्नीशियम 12 नंबर पे है तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, दोनों मिला के 10 हुए, अभी 2 बच रहा है, तीसरे में 2 डाल देंगे तो लास्ट में कितना गया जी बोलिए, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट 2.8.2 हो जाएगा। इस पे कौन सा चार्ज लगेगा, तो जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं उन सब पे लगता है प्लस चार्ज। प्लस कितना चार्ज, तो जो लास्ट में होगा वही, यानी कि प्लस 2 चार्ज, और जो चार्ज होती है वही वैलेंसी होती है। आ रही है कहानी समझ में। और देखिए पीरियड ग्रुप कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा जी पीरियड ग्रुप कैसे निकालते हैं, तो देखिए कितने सेल इसमें बना, 1, 2, 3 सेल बना, 1, 2, 3 सेल, यानी 1, 2, 3 ऐसे बना लीजिएगा, यानी लिखेंगे जी 3 पीरियड। अब देखिए सुन लीजिए कहानी, हमारे टेबल में, हमारे पीरियडिक टेबल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके बनाया गया होगा, ठीक है। तो जी इसे बोलते हैं पीरियड, क्या बोलते हैं पीरियड, कितने पीरियड होते हैं हमारे पीरियडिक टेबल में, 7 पीरियड होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने पीरियड होते हैं हमारे पीरियडिक टेबल में, 7 पीरियड होते हैं, और ऐसे करके 18 ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं 18 ग्रुप, यानी हमारे पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं। तो अब क्वेश्चन कर रहा है कि ये 7 पीरियड 18 ग्रुप में से ये मैग्नीशियम किस जगह पे होगा, अजी जादू है, बिना देखे देखे आप बता देंगे कि कहाँ पे है, तो जरा देखिएगा कौन सा जादू है यहाँ पे। तो देखिए जी कितने सेल बने, पहले तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कीजिए, 2.8.2 होगा, कितने सेल बना, 1, 2, 3 सेल, यानी आप बनाएंगे 1, 2, 3, यानी लिखेंगे यहाँ पे 3 पीरियड, 1, 2, 3 जितना सेल बनेगा वो बन जाएगा पीरियड। अच्छा जी लास्ट में कितना है, 2 है, तो तीसरे नंबर से 2 गिनना शुरू कर देंगे, 1, 2, यानी देखिए जी मैग्नीशियम यहीं पे होगा, यानी तीसरे पीरियड के दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, पहले के बाद दूसरा, तो देख लीजिए चेक कर लीजिए, तीसरे पीरियड के दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, यानी तीसरा पीरियड और दूसरा ग्रुप, कैसे पीरियड निकालता हूँ, जो सेल बनता है वो पीरियड है और जो लास्ट में होता है वो ग्रुप हो जाता है। अच्छा जी एक और समझा देता हूँ, जरा देखिएगा एक और समझा देता हूँ, अच्छा जी सुनिएगा मैं एक और समझाता हूँ, जरा देखिएगा यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास 11 नंबर पे आपके पास सोडियम है, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो अब देखिए जी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1 बचेगा, तो तीसरे में 1 डाल देंगे, क्योंकि 2, 8, 10 होगा, 1 बच रहा है, तीसरे में 1 डाल देंगे। अच्छा जी जिनकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.8.1, जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे उस सब पे लगता है प्लस चार्ज, प्लस कितना चार्ज होगा, तो जिस जो आउटर मोस्ट सेल में होता है वही प्लस 1 चार्ज, जो चार्ज होती है सर वही वैलेंसी होती है। अच्छा जी पीरियड ग्रुप कैसे निकालेंगे, तो कितना सेल बना, 1, 2, 3 सेल, यानी कि तीसरा पीरियड, यानी 1, 2, 3 और लास्ट में कितना है 1, यानी तीसरे नंबर से पहले ही नंबर पे देखिए जी सोडियम होगा, तीसरे पीरियड के पहले ग्रुप का एलिमेंट है। तो बोलिए जी आ रही कहानी समझ में, तो चलिए जी अब प्लस चार्ज वाली कहानी तो समझ में आ गई, तो अब सुनिएगा जिनके आउटर मोस्ट सेल में, लिखिएगा अब जिनके आउटर मोस्ट सेल में, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं उन सब पे लगता है माइनस चार्ज, क्योंकि मैंने 8 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं उनका कोई चार्ज, उनकी कोई वैलेंसी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री की दुनिया में 8 तक ही कहानी होती है, ठीक है। तो बोलिए जी मैंने क्या बोला, जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे उन सब पे लगेगा प्लस चार्ज, और जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 5, 6, 7 आएगा उन सब पे लगेगा माइनस चार्ज। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर पे, जैसे देखिएगा जी 8 नंबर पे ऑक्सीजन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या जाएगा, पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में कितना बचेगा 6 बचेगा, दूसरे में 6 डाल देंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में तो 1, 2, 3, 4 आया ही नहीं, तो इस पे प्लस चार्ज लगेगा ही नहीं, अब इस पे तो प्लस चार्ज लगेगा नहीं ना, क्योंकि जिनकी आउटर मोशन में 1, 2, 3, 4 आता है उस पे प्लस चार्ज लगता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन तो 2.6 हो गया, पहले में 2 भर दिया बचा 6 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। अच्छा जी अब देखिए, तो फिर मैंने बोला आपके कि जिसके ऊपर, अब बोलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज लगेगा क्या, नहीं प्लस चार्ज लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके आउटर मोशन में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, अब इसके ऊपर लगेगा माइनस चार्ज। मैंने आपको सिखा दिया कि जिनके आउटर मोशन में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे उस सब पे लगेगा माइनस चार्ज।
माइनस कितना चार्ज लगेगा जब ये पता करना होगा तो 8 में से उस नंबर को माइनस कर दीजिएगा, 8 में से आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दीजिएगा। तो 8 में से जब 6 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 2 यानी कि माइनस 2 चार्ज, और जो चार्ज होती है वही वैलेंसी होती है। लेकिन मैंने एक चीज बोला कि वैलेंसी कभी भी निगेटिव में नहीं होती है, पॉजिटिव में होती है, इसलिए पॉजिटिव बना दीजिएगा। ठीक है, पीरियड ग्रुप कैसे निकालेंगे, तो 1 2 सेल बना यानी कि 2 पीरियड, 1 2 लास्ट में कितना है 6 यानी कि 1 2 सेल बना तो दूसरा पीरियड, लास्ट में जो होता है वो ग्रुप यानी दूसरे ग्रुप यानी छठ में ग्रुप का एलिमेंट है। यानी कि ऐसे 1 2 दूसरे नंबर पे आइएगा पीरियोडिक टेबल में और देखिएगा छठ में लास्ट में 6 है, यहाँ से गिनना शुरू कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 यानी देखिए जी ऑक्सीजन कहीं यहाँ पे होगा छठवें नंबर पे। तो आ रही है कहानी समझ में थोड़ी थोड़ी, चलिएगा एक और एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ फिर यहीं पे वीडियो को फिनिश करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ले लीजिए जी, मान लीजिए आपके पास है 17 नंबर पे क्लोरीन, इसका पास 17 इलेक्ट्रॉन होंगे और पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में 8, तीसरे में कितने भरेंगे जरा बोलिएगा, तीसरे में 7 भरेंगे कि नहीं भरेंगे, क्योंकि दोनों मिला के अभी 10 इलेक्ट्रॉन हुए, तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन बचा है, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। अच्छा जी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, 2 8 7। अच्छा चार्ज क्या लगेगा, तो सर देखिए जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सब पे लगता है प्लस चार्ज, और आपने सिखा दिया है कि जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पे लगेगा माइनस चार्ज। माइनस कितना चार्ज, तो 8 में से माइनस कर देंगे उस इलेक्ट्रॉन को तो पता चलेगा, 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1 यानी माइनस 1 चार्ज, और जो चार्ज होती है वही वैलेंसी होती है, लेकिन वैलेंसी कभी भी निगेटिव में नहीं होती है। और पीरियड ग्रुप कैसे निकालेंगे सर, तो 1 2 3 सेल बना तो वो लिखेंगे जी 3 पीरियड, लास्ट में 7 है यानी 7th ग्रुप का एलिमेंट है, यानी 1 2 3 नंबर बना लीजिए और लास्ट में 7 है तो 3 से गिनना शुरू कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए जी क्लोरीन यहाँ पे होगा आपका, आ रही कहानी समझ में। तो बस यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ, आप 18 तक पीरियड ग्रुप चार्ज वैलेंसी 1 से लेकर के 18 तक पढ़िएगा और कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। तो मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।